मैंने चंद्रवली के पिता को यहाँ बुलाया है। यह अधिकार स्वयं भ्राताश्री ने मुझे दिया है। अधिकार दिया है यह आपने छीना है। महापंडित जी आप क्या बात कर रहे हैं, क्या हो गया है आपको? मैं कोई मूर्ख नहीं हूं महोदय। जब से मैं आया हूं तब से मैं देख रहा हूं कि यह व्यक्ति प्रत्येक कार्य में हस्तक्षेप कर रहा है। इसका प्रत्येक कार्य स्वार्थ से निहित है। यह आपकी कन्या का कन्यादान भी इसलिए कर रहा है ताकि अपना सूतक आप पर चढ़ा सके। आप कैसी बातें कर रहे हैं महापंडित जी? उससे बात मत करो पापी। अनंत जन्मों से पाप करते जा रहे हो और अपने पापों का बोझ कम करने के लिए उसे दूसरों पर चढ़ा रहे हो। आप लोग ही बताइए, क्या इस पापी ने पहले भी कोई कन्यादान किया है? आप पंडित जी, सुदेवी का कन्यादान वृषभान काका ने ही किया था, किंतु क्यों? क्या उस कन्या के विवाह में कोई अड़चन आई? हाँ, अड़चने तो कई सारी है। इस व्यक्ति पर अपने पिछले जन्म के पापों का भार है। अवश्य ही इस घर में किसी कन्या पर भी इसके पापों का प्रभाव हुआ होगा। बताइए मुझे, क्या इस घर में कोई कन्या विकारों के साथ जन्मी थी? हाँ, इनकी पुत्री राधा नेत्र दोष के साथ जन्मी थी। मैं जानता था यह वृषभान बड़ा पापी है। और तुम लोगों ने इसे अपना मुखिया बना लिया, यहां तक कि अपनी पुत्रियों का कन्यादान भी इससे करवा रहे हो। हमें इस पापी से दूर रहना चाहिए। अब मेरे बोलने का समय आया। सब नहीं। मैं अपने मित्र के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं सुन सकता और आप मेरे मित्र पर, इनके चरित्र पर लांछन लगा रहे हैं। समझते क्या अपने आपको? आप क्या जाने कि वृषभान जी क्या है? मैं आपको बताता हूं कि वृषभान जी क्या है। जब तक बरसाना का प्रत्येक व्यक्ति का पेट नहीं भर जाता तब तक ये अन्न का एक दाना ग्रहण नहीं करते, ये है वृषभान जी। हाँ, ये सत्य है कि राधा बिटिया नेत्र दोष से जन्मी थी, परंतु इनके सत्कर्मों के कारण उसकी दृष्टि पुनः आ गई। और आप कह रहे हैं कि ये सूतक हम पे लगा रहे हैं? नहीं, अपित तो सूतक आप लगा रहे हैं इन पर लांछन लगाकर। कौन सा ग्रंथ पढ़ के आप पंडित बने, परंतु मेरे ग्रंथों के अनुसार यदि किसी महापुरुष का तिरस्कार किया जाए, उस पे लांछन लगाया जाए, तो वो दंडनीय होता है। याद है आप सबको कि आज इस पाखंडी ने हमारे मुखिया जी और हम सबका अपमान किया है, इसलिए आज अभी और इसी क्षण तुम बरसाना के सीमाओं से बाहर निकल जाओ। इसी क्षण। हाँ हाँ,
निकाल दो इस पाखंडी को। शिवाजी, हम आपके साथ हैं। निकाल दो इस पाखंडी को। अपमान, मेरा इतना घोर अपमान मैं नहीं सह सकता। आज आपने मित्रता का सबसे बड़ा प्रमाण दिया है गुरुपंच, और मैं आपके लिए आज तक कुछ नहीं कर पाऊ। मित्रता तो निस्वार्थ होती है मित्र, परंतु आज ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? आज मुझे बोलने दीजिए गुरुपंच। बरसाना का मुखिया वृषभान अपने परम मित्र को वचन देता हूं कि जीवन में एक बार उनकी जो भी इच्छा होगी मैं उसकी पूर्ति करूंगा।